यादें स्वतंत्रता संग्राम की। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कार्यक्रम विभाजन और आजादी। ये बात उस समय की है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता रिहा हो चुके थे और ब्रिटिश राज द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने का मसविदा पेश किया जा चुका था। पूरा देश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ये जता चुका था कि ब्रिटिश राज का अब अंत होना ही चाहिए। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नए चरण में प्रवेश किया। आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने जो मुकदमा चलाया था उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 3 अधिकारियों को बाइज्जत बरी करना पड़ा। इस रिहाई के पीछे कुछ और कारण भी थे। विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन बदल गया था। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और रूस भी महाशक्ति के रूप में उभर चुके थे और ये दोनों देश भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी और उसके अधिकांश सदस्य भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिक भी भारत में रहकर रोज रोज के खून खराबे से ऊब चुके थे और अपने देश वापस जाना चाहते थे। ये सभी कारण ऐसे थे जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें भारत में कमजोर पड़ने लगी थी। भारत इस समय हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और घोर आर्थिक संकट की समस्याओं से भी जूझ रहा था। श्रमिक अशांति चारों ओर फैली हुई थी। जगह जगह मिलों कारखानों में हड़तालें और तालेबंदी की घटनाएं चल रही थी। 1946 तक तो हड़तालों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। चलो भाई, सभी लोग चलो, गेट पर मीटिंग होने वाली है। चलो चलो चलो, गेट चलो, पर मीटिंग होने वाली है। चलो। मेरे मजदूर साथियों, आप ये जानते हैं कि मिल मालिक हम मजदूरों पर अपना जुल्म बढ़ाते ही जा रहे हैं और विदेशी सरकार उनका साथ दे रही है। ये कहते हैं कि लड़ाई के बाद माल की खपत बंद हो गई है, माल कम बनाया जाए, और इसी बहाने से हम मजदूरों की छटनी की जा रही है, तनख्वाहें काटी जा रही हैं। सारे देश में ऐसा ही हो रहा है। नागपुर के कपड़ा मिलों में और कानपुर के चमड़ा उद्योग में भी यही किया गया है। कलकत्ते के 25,000 केमिकल इंजीनियरिंग के
और बंबई के 16 उद्योगों के मजदूरों ने हड़ताल का जो रास्ता अपनाया है वही रास्ता हम भी अपनाएंगे। आज से मजदूर काम पर नहीं जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। अगस्त 1946 में कानपुर के ब्रिटिश मालिकों की कपड़ा मिलों में हड़ताल हुई जिसमें 30,000 मजदूरों ने भाग लिया। 1946 में ही रेलवे हड़ताल भी शुरू हुई। इस आर्थिक अस्थिरता का लाभ उठाया काला बाजारियों और मुनाफा खोरों ने। सेठ जी चावल है सेठ जी? नहीं है, नहीं है। दाल है सेठ जी? नहीं है भाई, नहीं है। सेठ जी गेहूं चाहिए 2 सेर। भाई कहा ना कि कोई सामान नहीं है, देखते नहीं तख्ती पर लिखा हुआ है गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, चीनी सब कुछ स्टॉक में नहीं है। सेठ जी सारा माल कहाँ जाता है? मैं बताता हूँ, सेठों के गोदामों में भरा पड़ा है सारा माल। ऊंची कीमतों पर चोर दरवाजे से बेचते हैं ये लोग सारा माल। ये क्या बकवास लगा रखी है, जो कुछ कहना है सरकार से कहो। हाँ सरकार से क्या कहे, वो तो विदेशी है। तो फिर भागो यहाँ से, भागो। दोस्तों विदेशी सरकार के इन पिट्ठुओं के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सामान्य जनता के मन में ब्रिटिश सरकार और उसकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह की भावना दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और इस भावना को बल मिला 1946 में हुई वायुसेना की अशांति और रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों के खुले विद्रोह से। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को उस समय हुई जब बंबई के बैरकों में ट्रेनिंग ले रहे 9 सैनिकों ने खाने पीने की बद इंतजामी के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे समझ में नहीं आता कि रॉयल इंडियन नेवी में अफसर की पोस्ट पर सारे के सारे अंग्रेजी क्यों हैं? क्योंकि उनका राज है, हम लोग तो उनके लिए गुलाम है ना, काले गुलाम। उनके जूतों की ठोकर खाकर भी उनके लिए लड़ने वाले उनके 9 सैनिक। चलो खाने का बुलावा आ गया है, उठा लो अपने पिचके हुए मग और चपटी थालियां। थू, इस चावल में तो कंकड़ ही कंकड़ है। थू, रोटी का किस आ रही है, लगता है आटे में मिट्टी मिला रखी है। तो थू थू। हाँ भाई आटे में मिट्टी मिली हुई है, रोटी बहुत किसकिसा रही है और चावल में कंकर भी है। साथियों हम ये खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्या बात है, तुम लोग इधर शर्ट क्यों खा रहे हो? साहब चावल में कंकड़ ही कंकड़ है, आप खुद देख लीजिए रोटियों में मिट्टी में। चुप रहो बदमाश, जिन लोगों को कंकड़ वाला चावल नहीं खाना है वो खुद चावल साफ किया करें। अल्लाह में चाहोगे तो खड़ी सजा मिलेगी, समझे? अब हम चलते हैं, बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। साथियों ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फेंक दो अपनी अपनी थालियां। इन सभी जहाजों से यूनियन जैक उतार फेंको, इसकी जगह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे फहरा दो। और फिर 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल शुरू हो गई।
20 फरवरी तक नाविकों की हड़ताल दूसरे बंदरगाहों तक भी पहुंच गई और 21 फरवरी तक तो सारी की सारी रॉयल इंडियन नेवी इसमें शामिल हो गई। हड़ताल को इस तरह फैलता देख ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो गई और बल प्रयोग पर उतर आई और फिर शुरू हुई कैसल बैरक की लड़ाई जो 7 घंटे तक चली। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। 22 फरवरी को नौसेना के विद्रोही सैनिकों के समर्थन में बंबई के कारखाने और दफ्तर बंद रहे और एक विशाल जनसभा हुई जिस पर ब्रिटिश पुलिस और सेना ने जानबूझकर हमला किया। 24 घंटों में बंबई की सड़कों पर 250 से भी अधिक लोग मारे गए। कांग्रेस के नेताओं के समझाने बुझाने से रॉयल इंडियन नेवी ने 23 फरवरी को अपनी हड़ताल वापस ले ली। इधर देश के किसान भी हैदराबाद, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और मालाबार में जमीन पर ऊंचे लगानों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इनमें से प्रमुख आंदोलन थे तेभागा, तेलंगाना और पुन्न प्रावयलार। इन आंदोलनों और विद्रोहों की घटनाओं से ब्रिटिश सरकार को साफ लगने लगा था कि भारत में अब उसका शासन करना कठिन हो चुका है। इसीलिए ब्रिटिश संसद में तय किया गया कि एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री एटली ने कहा, मेरे सहयोगी भारत जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी स्वाधीनता देने में सहायता कर सकें। भारतीयों को ही तय करना है कि वर्तमान सरकार के स्थान पर अब कौन सी सरकार गठित की जाए। और 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन भारत आ पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने आकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और पाया कि स्वाधीनता के सवाल पर दोनों दलों में बहुत मतभेद था। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना पाकिस्तान बनाने पर अड़े हुए थे और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। 5 मई को शिमला में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ, इसमें भी कोई हल नहीं निकला। तब कैबिनेट मिशन ने खुद अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। भाई जान, क्या खबर है आज के अखबार में? अरे भाई, बस यूं ही वो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में खबरें हैं। अच्छा, क्या योजना बनाई है कैबिनेट मिशन ने? मियां, इस योजना में कहा गया है कि भारत की एक संघीय सरकार होना चाहिए। अच्छा, जिसमें देसी रियासतें, ब्रिटिश और भारत शामिल हों। अच्छा, हाँ, संघीय सरकार रक्षा, विदेशी संबंध और यातायात जैसे मसलों को अपने पास रखेगी और उसे अपने काम के लिए पैसा इकट्ठा करने का अधिकार होगा। ये तो ठीक ही लगता है। हाँ, वैसे तो ठीक ही लगता है। वैसे इसमें ये बात भी कही गई है कि संघीय सरकार की एक वर्किंग कमेटी और एक विधान परिषद हो जिसमें ब्रिटिश, भारत और देसी रियासतों के नुमाइंदे हों। अच्छा, संघीय सरकार के अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी मसले और अधिकार प्रांतों के पास हों। अच्छा, और रियासतों को भी ये अधिकार मिले। प्रांतों को अपने समूह बनाने का भी हक दिया गया है इस योजना में। अच्छा, तो इस योजना के बारे में एक क्या राय रही लोगों की? भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना के साथ ही कैबिनेट मिशन ने 16 जून को अंतरिम सरकार बनाने का भी मसविदा रखा। अंतरिम सरकार में 5 कांग्रेस के
और 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को रखा जाना तय हुआ। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस के सदस्यों में कोई मुस्लिम शामिल न हो और मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का नेतृत्व करने की मान्यता दी जाए। उधर मुस्लिम लीग के आह्वान पर सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, जिसके कारण देश में दंगे भड़क उठे। इन सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। गांधी जी इससे बहुत पीड़ित हुए। 2 सितंबर को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई, मगर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होकर भी सहयोग का रुख नहीं अपनाया और पाकिस्तान बनाने की दिशा में प्रयास करने लगी। फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। सत्ता सौंपने के काम को सरल बनाने के लिए लॉर्ड बेवल को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तावित की जो माउंटबेटन के नाम से जानी गई। इस योजना के अंतर्गत ये सुझाया गया कि भारतीय समस्या का हल पाकिस्तान के निर्माण के बिना संभव नहीं। कांग्रेस के अनेक बड़े नेता भी देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा की वजह से ऐसा ही सोचने लगे थे, मगर गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद से इस संबंध में उन्होंने बातचीत की। मौलाना जी, विभाजन अब एक धमकी बन गया है। वल्लभ भाई और यहां तक कि नेहरू ने भी हार मान ली है। अब आप क्या करेंगे? आप मेरे साथ खड़े होंगे या आप भी बदल जाएंगे? मैं बंटवारे के खिलाफ था और अब भी हूं। गांधी जी, मेरी अकेली उम्मीद आप ही हैं। अगर आप भी बंटवारे के खिलाफ रहे तो हम अब भी हालात पर काबू पा सकते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी बंटवारे को स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर मेरा बस चला तो मैं कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन साथ ही ये घोषणा भी कर दी गई। Yeah.
14 अगस्त की रात 12 बजे भारतीय संविधान सभा को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने कहा, लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होल्डिंग और इन फुल मेजर। वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह ना सही काफी हद तक पूरा करें। आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत नया जीवन और स्वतंत्रता लेकर जागेगा। एक क्षण जो इतिहास में कभी ही आता है, जब हम पुरातन से नूतन की ओर जाते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है और जब किसी राष्ट्र की बहुत दिनों से दबी आत्मा को वाणी मिल जाती है। ये उपयुक्त है कि हम इस पवित्र क्षण में भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी अधिक मानवता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आप को अर्पित करें। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को आजादी पाकर भारत पूरे विश्वास और सम्मान के साथ विकास के पथ पर चल पड़ा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत बड़े त्याग और बलिदान के बाद मिली है। इसकी रक्षा करना और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना अब हमारी जिम्मेदारी है।